बिहार में पुलों की वजह से बदनामी की तस्वीरें सामने आई। आए दिन गिरते पुल भ्रष्टाचार की पोल बिहार में खोल रहे हैं। पुल को लेकर अब एक नया और अजब गजब मामला सामने आ गया है। इसे सुनकर और देखकर लोग भी हैरान हैं, आप भी हैरान होंगे। ये तस्वीर देखिए, अररिया जिले में ग्रामीण कार्य विभाग ने अनोखा पुल बना दिया है। पुल के दोनों ओर सड़क नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है। हैरान करने की दूसरी वजह यह भी है कि अक्सर पुलों का निर्माण नदी, नहर और नालों के लिए किया जाता है, लेकिन जिस जगह इस पुल को बनाया गया है वहां में सब कुछ भी नहीं है। न नदी है, न नाला है, न कोई नहर है जिसको पार करने के लिए पुल बनाया जाए। पुल बनाया क्यों गया है, किस लिए बनाया गया है, किसी के समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पुल बना क्यों है। न सड़क है, न नदी है, सिर्फ एक पुल का निर्माण बीच खेत में कर दिया गया है। यह अनोखा पुल अररिया के रानीगंज ब्लॉक के गांव परमानंदपुर में है। अजब बिहार का यह गजब पुल, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट ने कराया इसका निर्माण और इस खेत में बने पुल की लागत जो है 3 करोड़ आई है। पुल का निर्माण रानीगंज के परमानंदपुर गांव में है। 6 महीने से पुल सिर्फ शोपीस बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इस अनोखे पुल की तस्वीरें और वीडियोज जमकर वायरल हुए। लोग इसको पोस्ट करके बिहार सरकार पर तीखे सवाल कर रहे हैं। 6 महीने पहले दरअसल पुल का निर्माण कराया गया था। हैरत की बात यह है कि पुल के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सड़क नहीं है। करीब 3 किलोमीटर लंबी सड़क बननी थी, लेकिन पुल के आसपास सरकारी जमीन नहीं है, किसानों की जमीन है। ऐसे में पुल बन चुका है लेकिन सड़क नहीं बनी है। परमानंदपुर 5 नंबर वार्ड में ये पुला बना। ये पुला बनने से हम लोग बहुत खुश थे कि मैं रोड नहीं था, 1 किलोमीटर आगे पीछे रोड नहीं है। हम लोग सोचे कि रोड भी बन जाएगा, पुला पर जाने आने में दिक्कत हम लोग को नहीं होगा। तो ये पुल कहाँ बना, खेत में बना कि और कहीं बना? कल समाचार के माध्यम से ही हम लोगों के संज्ञान में आया। उसका संज्ञान लेते हुए तत्काल हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग से मांगा था, और आज क्षेत्र भ्रमण करने के लिए हमने SDO, CO और कंसर्न इंजीनियर को भी भेजा है। उसमें 2-3 चीज़ों को जानना ज़रूरी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पर आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उपयोगी बने और जिस कार्य के लिए वो किया गया था वो कार्य पूर्ण हो सके।